स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। सही, हम पुलिस हेडक्वार्टर्स क्या करने आए हैं? किसी से मिलने। लेकिन सही मौसी, आप चिंता मत करो, एक बार सब हो जाएगा ना, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सही, विराट सर ने फर्ज के खातिर की थी ना मुझसे शादी, मैं उनके बॉस को सब कुछ बता दूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उनकी शिकायत करूंगी कि उनके घर में मेरे साथ क्या होता है। तू पागल है क्या? हाँ, क्या करना क्या चाहती है? देख सही, ऐसा कुछ मत करना जो तुझे नहीं करना चाहिए, समझी तू? पूछा मौसी, अब चिंता मत करो, बस अब जल्दी चलो मेरे साथ। लेकिन सही, चलो चलो। देवा रे देवा, ये होता है नई बहू का तरीका सलीका, मैनर्स। शी बाबा, शांत हो जा सोनाली। शेरनी जब गुस्से में होती है ना तो उसे खुद भी नहीं पता कि किसे पंजे मार रही है। सारे होशियार मेरे सर पे सवार। वैसे इस घर में क्या कम कमाल बहुए थी जो विराट ने उस जंगली मुलगी को भी भर्ती कर दिया? क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या आशाएं थी विराट की होने वाली बीवी से। बहनी क्या हुआ, ये सही कहाँ चली गई? पता नहीं गुस्से में थी। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कुछ हुआ क्या? आपने कुछ कहा क्या? तो ऐसे गुस्से में उषा ताई के साथ क्यों चली गई? क्या हुआ? एक मिनट अश्विनी बहनी, एक मिनट बहनी, पर ऐसे आरोप इल्जाम ब्लेम करने के पहले एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आपकी बहू कितना बड़ा तूफान मचा कर गई है अभी अभी यहाँ से। लेकिन सही ऐसा क्यों करेगी? मस्त मस्त करे कोई और भरे कोई, शादी की विराट ने और भुगत रहे हम सब घर वाले। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि उस जंगली मुलगी को इस घर में नहीं रखेंगे। देखा ना सबने, बिना बताए चली गई उस नौकरानी के साथ कहीं पर। उसे इस बात का रत्ती भर एहसास नहीं है कि दुनिया की नजर में वो अब छोटे घर की मुलगी नहीं है, जवान खानदान की बहू है। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो? नहीं बहनी, ऐसे नहीं होगा। पता नहीं वो अकेली कहां जा सकती है, उसको तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। अश्विनी मामी, जिस बहू को आपने इतना सारा प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, आज उसी बहू ने बड़ी मामी और बाकी सबके साथ कैसी बदतमीजी से बात की है, आपको देखना चाहिए था। जिसे आप बच्ची समझती है, आज वही बच्ची अपने बड़ों को बिना बताए कहीं चली गई है। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। वाह, दूसरों के कड़क नोट में सिलवटे ढूंढने वाले खुद के फटे नोट को भी चल जाएगा, ऐसा कहते हैं हाँ? तुम तो दूसरों की बहुओं को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती हो, और आज जब तुम्हारी बहू ने हम सबकी बेइज्जती की है तब भी तुम उसी का साथ दे रही हो। सीधा सीधा बोलिए ना वहीनी, अब पत्रलेखा की बात कर रही है ना? पत्रलेखा को मैं ताने नहीं मारती, मैं तो बस इस घर के रिश्तों की मर्यादा का बचाव करती हूँ। अश्विनी, अपने बहू के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो क्या कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है किससे बात कर रही हो? और उस लड़की को देखते देखते तुम्हारी जबान भी तेज हो गई है बहुत। अश्विनी बहनी, सही ना तो इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से समझती है, ना ही घर वालों की परवाह है इसे। ना ही ओमकार, मैं मानती हूँ सही मुंहफट है, जो दिल में आता है वो बिना सोचे समझे वो जुबा पे ले आती है। उसकी इसी आदत की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग उसे गलत समझते हैं, वरना तो वो मन की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वाह, ये तो खुद ही अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे बेटे की चिंता आप। विराट सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है अश्विनी,
और उस लड़की के झांसे में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्रलेखा और वहिनी से बहस करने की, उन्हें ताने मारने की? वहिनी, पत्रलेखा इस घर की बड़ी बहू है और आप बार बार इसे इसको ओंकार? मैं कुछ नहीं कहती उसे, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर की बहू के साथ एक जैसा बर्ताव हो, बस। मतलब तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानती है ना वहिनी, सारा प्यार सम्मान मान मिलता है पत्रलेखा को और सही को मिलता है सिर्फ ताने। पत्रलेखा को सर आंखों पर बिठाने की कोशिश रहती है अब सबकी, और सही को घर से बाहर निकालने की। अब आप सब लोग इन दोनों में इतना बड़ा फर्क करते हैं तो किसी ना किसी को तो इस फर्क को मिटाना ही होगा ना। बात बदलने की कोशिश मत करो अश्विनी। चलो, अगर तुम्हारी बहू तुम्हें इतना ही मानती है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता कि कहां गई है वो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो बताकर गई है और फिर भी तुम सही का राज हम सबसे छुपा रही हो? मुझे कुछ भी पता नहीं है बहनी, सही ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। अब मैं तो मंदिर गई थी ना, जब मैं मंदिर से वापस लौट रही थी मैंने देखा सही को घर से निकलते हुए। मैं उसे कुछ पूछती कि कहां जा रही हो क्या कर रही हो, उससे पहले ही वो उषा ताई के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। दिखाई है ना वहिनी, आपने अपनी बहू को ना बहुत सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए तो इसकी इतनी हिम्मत होती है कि आपको बिना बताए भी अपने घर सदर निवास से निकल गई। अरे मेरी बहू को देखिए, बिना मुझसे पूछे एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जाती। घर से बाहर जाना वो तो दूर की बात है, हो ना वहिनी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।